अच्छा, ये हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस जो है वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता है फ्यूचर के लिए, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करता है, और उन स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए बिजनेस जो है वो कौन से वाले एनालिसिस से गुजरता है वगैरह वगैरह। तो इसमें एक टॉपिक है, इसका नाम सिनेरियो प्लानिंग है। ये 2023 के सिलेबस में नया ऐड हुआ है, पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं था। सिनेरियो प्लानिंग है क्या? इसमें ग्रुप ऑफ सीनियर मैनेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सिचुएशंस को। ग्रुप ऑफ सीनियर मैनेजर्स बिगिन टू आइडेंटिफाई दी पॉसिबल आउटकम्स या लिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दी सिचुएशन। अच्छा, हमें ये समझना है कि वो जो आउटकम्स हैं उन्हें हम सिनेरियोज कहते हैं। आउटकम्स आर कॉल्ड सिनेरियोज, के जो द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस हैज बिकम वेरी डायनामिक, चेंजिंग है, बहुत ज्यादा फास्टली चेंजिंग है। सो इट्स नॉट पॉसिबल रियली टू आइडेंटिफाई वॉट इज गोइंग टू हैपन विद एनी बिजनेस इन द फ्यूचर। लाइक जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्विटर, इलॉन मस्क हैज टेकन ओवर एंड ही इज डूइंग सम वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द सेलिब्रिटीज आर लिविंग एंड फ्यू पीपल आर एडमायरिंग एंड दे सेड ओके ये सही है, इसको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर हम कोई फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर बनाएंगे जो कि इनफ्लेक्सिबल इन नेचर होगा, तो बहुत ही मुश्किल है कि वो एप्लीकेबल हो सके, क्योंकि जितनी मार्केट ज्यादा डायनामिक होती जाएगी उतने ज्यादा हमारे प्लान्स भी फ्लेक्सिबल होते चले जाएंगे। तो हमें क्या है इस वक्त, जरूरत किस बात की है? नीड ऑफ मेकिंग फ्लेक्सिबल प्लान। तो वो जो फ्लेक्सिबल प्लान्स हम बनाते हैं ताकि वो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मार्केट, जिसके बारे में हमने कहा कि वो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही ज्यादा चेंजिंग है। ओके, अब वो क्या करते हैं, वो पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, ठीक है, और उन पॉसिबल आउटकम्स को डिस्कस करते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी एप्लीकेबल हो सकती है किस किस्म के सिनेरियो में। मिसाल के तौर पे अगर इन्फ्लेशन चेंज हो गया और रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे बैन ही लगा दिया, जो कि एक पॉसिबल सिनेरियो है कि नई गवर्नमेंट आ रही है, तो फिर हम क्या कर सकेंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? ठीक है, या मिसाल के तौर पे अगर नई गवर्नमेंट आई और उसने कहा कि जनाब अब आप पेट्रोल वाली कार्स बनाना ही बंद कर दें, तो आपने पेट्रोल कार के इतने बड़े बड़े प्लांट जो लगाने शुरू किए उनके साथ क्या होगा? तो पॉसिबल सिनेरियोज जो जो हो सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर, इन द नियर कमिंग फ्यूचर, हम उनको डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, और इन पॉसिबिलिटीज को देखते वक्त हम सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिशन फैक्टर्स को सामने रखते हैं। अब जब भी हम सिनेरियो प्लानिंग करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और उसके लिमिटेशंस क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सिनेरियो प्लानिंग, सबसे पहले इट फोर्सेस मैनेजर्स टू कंसीडर द मेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बेनिफिट्स ऑफ जो सिनेरियो प्लानिंग है वो क्या है, हमें कौन से फायदे मिलते हैं जब हम सिनेरियो प्लानिंग करते हैं जो कि मैनेजर्स करते हैं, सीनियर मैनेजर्स करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा, इट फोर्सेस मैनेजर्स टू कंसीडर द मेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज दैट कैन अफेक्ट देयर बिजनेस। तो वो उन उनकी लिस्ट बना लेते हैं उन चीजों की जो कि हो सकता है एक बिजनेस हो वो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के बंद होने से इम्पैक्ट होता ही ना हो, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो, लेकिन एक अनदर बिजनेस जो इम्पोर्ट ही सिर्फ रॉ मटेरियल करता और उसकी बेस पे उसकी प्रोडक्शन होती हो, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सी मेन चीजें हैं, वो कौन से मेन रिस्क हैं और अनसर्टेनिटीज हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक नीड वाला बिजनेस हमेशा अनसर्टेनिटी से कम अफेक्ट होता है और लग्जरी वाला बिजनेस ज्यादा अफेक्ट होता है। इसी तरह मैनेजर्स हैव टू डेवलप, मैनेजर्स आर फोर्स टू डेवलप इनडीड द रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज दैट टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस।
फिर उन्हें पता है कि एक स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि किसी एक सिनेरियो में एप्लीकेबल हो, तो अब उन्हें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, और उसके लिए जाहिर है मैनेजर्स वर्क फॉर दोस्त, और एक तो मैनेजर्स की अपनी स्किल लेवल डेवलप हो रही होती है, और दूसरा बिजनेस के लिए काफी गुड है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज आप डेवलप करें, और फिर इट मेक्स मैनेजर मोर अडॉप्टेबल चेंजिंग एनवायरनमेंट में, चेंजिंग बिजनेसेस में, क्योंकि अब हमें पता चल गया जब एक स्ट्रेटेजी किसी एक सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं हो सकती, तो हमें पता है कि हम अगर फेलियर और सक्सेस से हमें ऊपर उठ के सोचना है, और हमें ये देखना है कि अच्छा अगर एक सक्सेस स्ट्रेटेजी नहीं सक्सेसफुल हो सकी तो दूसरी तीसरी, और चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी ही करनी है। हम इनफ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ, एक अप्रोच के साथ जो कॉन्स्टेंटली एक ही रहती है और वो कभी नहीं चेंज होती, हम उस अप्रोच के साथ परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बहरहाल बनानी पड़ती हैं और उनके साथ ऑपरेट करना पड़ता है। इसी बात को हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, अगली जो बात है वो है लिमिटेशंस ऑफ द सिनेरियो प्लानिंग। वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले, समटाइम्स मैनेजर कंसिडर टू मेनी अनसर्टेनिटीज जो रियलिटी के करीब भी नहीं होती। तो टू मेनी अनसर्टेनिटीज आर कंसिडर्ड। अब उसका मसला क्या होगा कि अल्टीमेटली विल बिकम कंफ्यूज्ड बाय द रेंज ऑफ पॉसिबल सिनेरियोज। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होंगी उतने हम पॉसिबल सिनेरियो ढूंढेंगे और उतनी कंफ्यूजन लेवल हमारी बढ़ती चली जाएगी। कुछ मैनेजर ये करेंगे उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ वन पॉसिबल सिनेरियो सोचेंगे, वो भी गलत है। और द सिनेरियो प्लानिंग इज लेस इफेक्टिव व्हेन ओनली शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज डन। लेस इफेक्टिव व्हेन ओनली शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज डन। तो अगर तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ज्यादा एप्लीकेबल है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का सोचते हैं तो फिर ये कम एप्लीकेबल है, इसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज द डिटेल ऑफ सिनेरियो प्लानिंग, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर दिस हैज बीन एडेड न्यूली टू द 2023 सिलेबस, पहले ही हमारे सिलेबस में नहीं था।